सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पबजी मोबाइल लाइट गेम जब हम ओपन करते हैं तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, डाउनलोड फेल्ड बिकॉज यू मैन नॉट हैव परचेस्ड दिस ऐप, इस तरह लिख के आ जाता है पबजी मोबाइल लाइट गेम और ये गेम ओपन नहीं हो पाता है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं नहीं हो रहा है ओपन गेम। तो ये क्यों नहीं हो रहा है और कैसे हम ओपन कर सकते हैं यही बात आपको बताऊंगा, तो चलिए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा वो डाउनलोड नहीं करते, गेम पूरा डाउनलोड नहीं हो पाता। तो आपको सिंपली जाना है इंटरनल स्टोरेज में, एंड्रॉयड फोल्डर में और OBB में। यहाँ पर जाने के बाद आपको चेक करना है com.tencent.ig/lite नाम का फोल्डर अवेलेबल है कि नहीं, और अवेलेबल है तो उसके अंदर कोई फाइल है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फोल्डर एकदम एम्प्टी है, खाली है। इसकी डिटेल में आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं साइज 0 byte, तो समझ लीजिए आपका गेम नहीं चलेगा क्योंकि आपकी OBB फाइल आपसे गलती से डिलीट हो गई है, या फिर आपने सही जगह पेस्ट नहीं की है जहाँ पेस्ट करना चाहिए। या फिर बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो मतलब मान लीजिए सोचते हैं कि OBB बस डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे OBB डाउनलोड कर ली और फिर लेटेस्ट वर्जन आ गया, ठीक है, उसी गेम का, पबजी का मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो क्या कहते हैं वो APK बस डाउनलोड कर लेते हैं फिर OBB डाउनलोड नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी वर्क नहीं करता है। तो आपको करना ये है, अगर ये वर्क ना करें यहाँ पे आप सबसे पहले चेक कर लीजिए इंटरनल स्टोरेज एंड्रॉइड OBB फोल्डर में, यहाँ पे ये फोल्डर अवेलेबल है कि नहीं और इस फोल्डर के अंदर फाइल है कि नहीं जो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना है सिंपली, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी डाउनलोड लिंक पबजी लाइट की। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। इसमें क्लिक करना है, रीनेम में क्लिक करना है और एक्स ए पी के बदले जिप लिख देना है हमको। ये काम आप जेड आरसीओ की मदद से भी कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट, तो मैं यहाँ पे रीनेम करके कर रहा हूँ। अब ये एक्सट्रैक्ट हियर में क्लिक कर दिया, एक्सट्रैक्ट हो रहा है और ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये APK डाउनलोड हो चुका है। अगर मान लीजिए आपने पुराना APK रखा है या आपको लगता है APK में भी गड़बड़ी है तो आप APK दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए, आपको इसी के साथ मिल जाएगा जो डाउनलोड करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर लीजिए डाउनलोड करके। अगर APK मान लीजिए आपको लगता है सही है तो APK इंस्टॉल मत करिए, APK आप इसमें जो पहले से वही रहने दीजिए। OBB में जाइए, com.tencent.ig/lite में जाइए, इसको कट कर लीजिए, इंटरनल स्टोरेज में जाइए, एंड्रॉइड में जाइए, OBB में जाइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं com.tencent.ig/lite ये आ चुका है 227 MB का OBB। अब हम गेम ओपन करेंगे तो ये वर्क करेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बस यही प्रॉब्लम थी और इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गेम ओपन हो चुका है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, चेकिंग फॉर अपडेट्स के लिए भी आ चुका है। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से फिक्स कर सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे से कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी बात आप पूछना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, ऐसे ही और वीडियोज देखना चाहते हैं गेम्स के तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था।